होते हैं, मैं हर शो करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं कोई शो ना मिस करूँ, कभी मजबूरी होती है, डेट आपकी ब्लॉक हुई भी होती है तो मिस हो भी जाते हैं। फैशन शूट्स हाँ अलबत्त बहुत कम हो गए हैं, और मगर अभी फ़िलहाल मेरा छोड़ने का मॉडलिंग का तो कोई प्लान नहीं है, बिकॉज दैट्स वॉट मेड मी, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद मॉडलिंग, मेरा नाम बना मॉडलिंग से, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जब मुझे लगेगा कि अब मेरी एज इतनी हो गई है, अब छोड़ देना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली। कौन सी एज है हमारे यहाँ तो, मतलब अब जितनी एज ज़्यादा होती जाती है उतने लोग परसिस्टेंस ज़्यादा होते जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है जब आपको खुद को लगने लगे कि नहीं जी अब आपको छोड़ देनी चाहिए, अब बहुत हो गया है, सही, तो मैं उस दिन छोड़ दूंगी। सही। सोनी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप लोग कैसे हो? प्रीटी गर्ल्स, जबरदस्त। प्रीटी गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, वाओ, प्रीटी गर्ल। हाँ ना, मेरा बच्ची तो मेरी सबसे प्रीटी है। वाओ, थैंक यू। हाँ? जब आप सबको कहती है ना तुम बहुत प्यारी हो, तो मैं कहती यार तुम खुद बहुत प्यारी हो। अच्छा, नहीं थैंक यू सो मच। सुनीता से बात करनी थी मैंने। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप लग रहा है आप बहुत एक्साइटेड है ना? आप कुछ नहीं, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। फरा ने मुझे टिप दी थी, खुश रहा करो फिर तुम मोटी हो जाओगी। सही कहा वैसे। जी अच्छा, अभी एक कॉलर आई थी, उन्होंने कहा था कि ये किस दिन है, तो यार मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो भी किशन थी, और ये पक्की बात है कि किशन लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी क्रिश्चियन है। हाँ बिल्कुल, और आपकी आइज बहुत प्यारी है, देखती रहती है या आंखों में देखती रहती है? नहीं नहीं, मैं आंखों में नहीं देखती, आंखों में नहीं देखती, आंखों को नहीं, तो आंखों के अंदर ही होती है। थैंक यू सो मच। आंखों में देखा करें सोनी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी ये है, नेक्स्ट स्टेप आपकी ये है कि जब भी आपने किसी को देखना है तो आंखों को नहीं देखना, आंखों में देखना है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, कभी डर लगा है यार एज हो जाएगी, आई मे नॉट लुक द वे आई लुक नाउ, शायद मैं इतनी खूबसूरत ना रहूं? कभी सोचा तो नहीं इस बारे में, मगर एक्चुअली सोचना चाहिए। आप किन तरह की चीज़ों के बारे में सोचते? मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं सोचती। हालांकि ऐसा नहीं है, योर आईज टेल्स दैट यू थिंक अ लॉट। मैं कभी कभी ख्याली प्लाव जरूर बना लेती हूँ। अच्छा, मगर टेंशन नहीं लेती। सही। किसी भी ऐसे काम में जिसमें मुझे लगे कि अब मैं सोचूं और मुझे लगे कि हाँ जी इसमें बहुत टेंशन है, होता है ना कभी आप सोचते हैं कि ये इतनी मुसीबत हो जाएगी इसमें और ये हो जाएगा, वो काम मैं बिल्कुल नहीं सोचती। सही। मैं चाहती हूँ कि मैं, छोटी सी जिंदगी है, उसमें जितनी खुश रह सकती हूँ खुश रहूँ, और जितनी दूसरों को खुशी दे सकती हूँ उतनी खुशी दे दूँ। खैली पुलाव के अलावा दूसरे पुलाव भी बनाती है? नहीं, नहीं, वो नहीं बनाती। नहीं बनाती। नहीं, कभी किचन में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, इत्तेफाक तो हुआ है मगर शौक नहीं हुआ। हाँ। और मियाँ की तरफ से फरमाइशी कोई प्रोग्राम भी नहीं है? एक मुझे इस चीज़ से बड़ी चढ़ चढ़ती है, खूबसूरत तरीन लड़की लाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं बहुत अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए, अब आप खाना बनाएं खड़े होकर। बहुत पढ़ी लिखी खातून जो है उससे शादी करते हैं, ये मतलब जिसका पता है कि उसने सारी जिंदगी सिवाय पढ़ने का और कुछ नहीं किया हुआ, फिर कहते हैं आपको तो किचन में भी जाना है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए, कुकिंग वैसे तो आनी चाहिए, एंड आई रिग्रेट कि जी मुझे कुकिंग नहीं आती। एक्चुअली माय मदर इन लॉ इज अ वेरी गुड कुक। सही। तो अगर मैं कभी कोशिश करूँगी भी ना खाना पकाने की, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि यार ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मैं क्या बना रही हूँ। सही। और दूसरा ये कि टाइमिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है, पूरा दिन के बाद जब थके हुए आते हैं तो वो बिल्कुल आप में हिम्मत नहीं होती कि आप जाके कुकिंग करें। हाँ, हसन ने एक दो दफ़ा ज़रूर बोला है कि खाना बना लो, कुछ तो बना लो। मुझे कटलेट्स बहुत अच्छे आते हैं बनाने, तो मैं कटलेट्स कभी कभार बना लेती हूँ। कटलेट्स जी, आलू के कटलेट्स। आलू से तो अगर आपकी तरह रहना हो तो लोग वैसे ही दूर दूर भागते हैं, तो आपको अब जो लोग डाइटिंग नहीं करते वो खा ले, और जो डाइटिंग करते भी हो थोड़ा सा तो खा लेना, एक ही खा ले। मगर मुझे एक्चुअली डाइटिंग का इतना ज़्यादा नहीं आइडिया, हसन को फिर भी है। हसन जो है, जब मैंने हसन को देखा था तो वो इतने मोटे थे यहाँ तक। कितने? हाँ, यहाँ इतने मोटे थे, इतनी बड़ी तोन थी, एंड ही स्टॉल।
लेट मी इमेजिन, इतनी बड़ी टोन थी और इतने मोटे, ओ माय गॉड, एंड स्टिल यू लाइक्ड हिम? I liked him. You were in love head over heels. आप कह नहीं रही हैं. मैंने आपको वही कहा ना कि मैं तो पहले सिर्फ SMS पे बात हो रही थी हमारी, तो मैंने देखा हुआ तो नहीं था, मैं तो 3 महीने के बाद देखा था और मैंने उस मोटापे में ही देखा था और मैंने हसन को नहीं कहा था कि हसन तुम दुबले हो जाओ. मैंने कभी नहीं कहा कि वेट लूज कर लो, यू सो यंग, और उस यंग एज में इतना मोटा होना सही नहीं है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग यू शुड बी फिट एंड स्मार्ट. तो वो हसन की अपनी ही एफर्ट थी, उसने खुद ही डिसाइड किया. मैंने एक दिन सिर्फ ये कहा था कि हसन तुम्हारी टोन थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो गई? तो शायद वो बात लगी, मगर बकौल हसन के उसको ये बात नहीं लगी. सुना हुआ कि बहुत सारे लोग पत्थर मार रहे थे तो एक बंदा जो है वो उसे कुछ नहीं हुआ, अचानक उसने रोना शुरू कर दिया. उसने कहा जी क्यों? कहा जो फूल मारा है ना कमबख्त जिसने, वो मेरा महबूब है. मुझे लोगों के पत्थरों से नहीं हुआ कुछ, उसके फूल ने तकलीफ दी, उसने क्यों मारा? शायद वही बात थी कि वो उसको लग गई. मगर जो भी थी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि फिर हसन ने अपने आप को रिड्यूस करके ना हिज परफेक्ट. वाओ, सो पारस पत्थर भी हैं आप, मतलब आप जो है ट्रांसफॉर्म भी कर देती हैं लोगों को. मैंने तो खैर कुछ नहीं किया, इसमें हसन की बहुत मेहनत है, इसमें विल पावर बहुत चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली आप इतने मोटे हों और फिर आपको इतना दुबला होना हो, तो उसमें आप डाइटिंग भी करते हैं और सीवियर फुल टाइम एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो विल पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हसन में बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो आपकी तारीफ करते हैं कभी? उन्होंने आपको कहा वाओ? ऑब्वियसली हर कोई करता है. देखें अब मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ मुँह पर नहीं करेगा मगर करेगा ज़रूर. अच्छा, महबूब जब मियाँ बनता है ना तो थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है, क्योंकि पहले वो तारीफ़ ज़रा ज़्यादा करता है और मियाँ बनने के बाद थोड़ी कम हो जाती है. ये बातें लड़कियों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए. अक्सर लड़कियां कहती हैं कि शादी से पहले तो तुम ऐसे थे, तुमने ये कहा था, वो कहा था, अब तुम्हें क्या हो गया? तो आई थिंक लड़कियों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि लड़कियों को क्या, बल्कि मर्दों को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि शादी से पहले एक डिफरेंट चीज़ होती है. यू नो यू आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, और शादी के बाद जब वो रिलेशनशिप पूरा हो जाता है तो वो चीज़ें ख़त्म होके आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाते हैं. सही. आपको अपना घर चलाना है, अपना घर को साफ सुथरा रखना है, मियाँ ने ऑफिस जाना है, उसने काम करना है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं. सही. तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए. ना ये कि आप पूरा दिन बैठे एक दूसरे की तारीफ करते रहें, वो भी तो आप फिर बोर हो जाएंगे ना एक दूसरे से. सही. तो थोड़ा बहुत लड़ना भी चाहिए. अच्छा, बहुत जरूरी है. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, मेरा हल्ला कॉल ड्रॉप हो चुकी है. अच्छा, लड़ना भी चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी है. तो कितनी कहते हैं लड़ने से मोहब्बत बढ़ती है ना. अच्छा, बाज़ुकात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है. हाँ, उससे ज़्यादा ना बढ़े, मगर ये कि थोड़ी बहुत आता है. रूठने मनाने का चक्कर होता है? बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली. लड़ाई अमूमन लड़ाई शुरू किसकी तरफ से होती है और किस बात पर लड़ाई होती है? देखिए, ये तो एक वन साइडेड कॉन्वर्जेशन हो गई ना. हसन हमेशा कहेगा कि मैं शुरू करती हूँ, मैं हमेशा कहूँगी कि हसन शुरू करता है. तो आई थिंक इसका बेहतर जवाब ये कि दोनों की तरफ से ही होती है, कभी उसकी तरफ से कभी मेरी तरफ से. और लड़ाका कौन है ज़्यादा? एक शख्स होता है ना जो लड़ाई को आगे बढ़ाता है. नहीं, एक मिनट, ये जो बात है ये क्यों फिर आप उसको वो करें, वो फिर वहीं से वो शुरू. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, मतलब इतनी चुप हो जाती हूँ. चुप की मार देती हैं. हाँ, मगर वो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं चुप हो जाती हूँ तो वो और ज़्यादा उसको गुस्सा आता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही. तो ये भी एक चीज़ मतलब गलत हो जाती है, क्योंकि वो चिड़ में आ जाता है बंदा कि जवाब क्यों नहीं दे रहा. मगर हसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता. हसन को एक्चुअली पहले बहुत गुस्सा आता था. तो मैं अभी हसन का मजाक उड़ाती हूँ कि जी हसन तुम्हारा मोटापे के साथ साथ गुस्सा भी कम हो गया. तो हमारी वैसे बहुत ज़्यादा लड़ाई तो नहीं होती, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. मगर ये कि थोड़ी बहुत कभी कभी बहस हो जाती है और बाद में हम रियलाइज़ करते हैं किसकी गलती है. जिसकी गलती होती है वो सॉरी कर देता है. ज़्यादातर वैसे हसन करता है. सही, ग्रेट. अच्छा जी, जो बहुत सारी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें आप क्या टिप देंगी कि इफ़ दे वॉन्ट टू लुक एज गुड एज यू आर, वो भी आपकी तरह चाहें खूबसूरत लगें, दिखें, रहें, तो क्या करें? क्या करें, बस खुश रहें. मैं तो सबको यही कहती हूँ, खुश रहें. और जो भी आपको चीज़ें बुरी लगती हैं, किसी की बात बुरी लग गई, इग्नोर मारें. इग्नोर करना बेस्ट पॉलिसी है. और क्योंकि अगर आप खुश